हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। क्या आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप इंटर कक्षा में हैं? चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बारे में पूरा समझिए। हम आपको हाई स्कूल के बारे में पूरा बताएंगे, क्या एग्ज़ाम होगा, क्या कैसे तरीका है, कैसे क्या नंबर मिलेगा, सारी चीज़ के। और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि जुलाई का एग्ज़ाम कब हो सकता है। एग्जैक्ट बताने का प्रयास करूँगा कि हाँ उसी समय से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा जुलाई का। तो वीडियो में आप आए हैं, पूरा बने रहिए, पूरा ध्यान से देखिए। किसी वीडियो को स्किप करके भागने से आपको पूरा नहीं पता चल पाता। वीडियो स्टार्ट किए तो पूरा ध्यान से देखिए और ध्यान समझिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या चीज़ है, पूरा एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते हैं क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सबसे बड़ी खुशखबरी, यहाँ पे आप लोग को सबसे बड़ी यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 ये हाई स्कूल वालों के लिए, यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रमोट होंगे हाई स्कूल के परीक्षार्थी। चलिए हम देखते हैं हाई स्कूल के परीक्षार्थी क्या हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उनको क्या कर दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। हमने इसके पहले भी कहा था कि हाई स्कूल वालों को प्रमोट कर देना चाहिए, लेकिन इंटर वालों की परीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, हमने जो बताया था वो यहाँ पर सत्य निकल रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ कहा गया है। आगे यहाँ पर कहा गया है यूपी बोर्ड, यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है यूपी बोर्ड हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी है। इन प्रमोट करने की तैयारी जो है चालू की गई है। चलिए आगे देखते हैं कैसे क्या चीज़ कहा गया है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यूपी बोर्ड 2021 यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला जी ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है कि वह हाई स्कूल परीक्षार्थियों की छमाही व वार्षिक परीक्षा प्री बोर्ड के विषयवार प्राप्तांक व पूर्णांक परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर 18 मई की शाम 5 बजे तक क्या करें, अपलोड करा दें। मतलब 18 मई की शाम 5 बजे तक आपको क्या कर देना है, अपलोड करवा देना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको अपलोड नहीं कराना है, वो करवाएंगे। किसको कहा गया है, विद्यालय निरीक्षकों को कहा गया है। चलिए आगे दिखाते हैं आगे क्या दिया गया है। यहाँ पर आगे बताया गया है यहाँ पर कि प्रयागराज ब्यूरो मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा के लिए पंजीकृत 30 लाख परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, यूपी बोर्ड ने केंद्रीय माध्यमिक मतलब शिक्षा बोर्ड माने सीबीएसई यानी सीबीएसई की तर्ज पर अगली कक्षा में प्रमोट कर सकता है। अगली कक्षा में क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। यूपी बोर्ड के सचिव दीपकांत शुक्ला ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को छमाही और प्री बोर्ड के प्राप्तांक वेबसाइट मांगा है। ठीक है, और मंगलवार शाम तक अनिवार्य रूप से देनी है, यानी इस संबंध में निर्णय जल्द लेने के आसार हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्या चीज़ कहा गया है। और आगे यहाँ पर कहा गया है, वीडियो में बने रहें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 अब तक नहीं हो सकी है। आमतौर पर ये परीक्षाएँ फरवरी या मार्च में होती है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और फिर कोरोना संक्रमण की वजह से 2 बार घोषित होकर के स्थगित करना पड़ा है। चलिए आगे दिखाते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे ध्यान देखिए। सीबीएसई ने अप्रैल में ही निर्णय लिया था कि वह हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करेगा, जबकि इंटर के संबंध में अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। मतलब अभी सीबीएसई का अंतिम निर्णय बाकी है कि सीबीएसई के लिए 12th का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अभी इसमें भी वो है। अच्छा, बच्चे मांग कर रहे हैं रद्द करने की, लेकिन रद्द हो सकता है या नहीं अभी कन्फर्म नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। सीबीएसई के निर्णय के बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था यूपी बोर्ड भी उसी की राह चल सकता है, लेकिन उस समय तक हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने का आधार नहीं मिल पा रहा था, बल्कि शासन इस पर मंथन कर रहा था। क्या कर रहा था, मंथन कर रहा था। आगे, अब यूपी बोर्ड सचिव दीपकांत शुक्ला ने सभी जिला विधायक पत्र लिखा है, ठीक है, छमाही विषयवार क्या करें, 18 मई के शाम तक अपलोड करा दें। आगे देखते हैं क्या कहा है, इसे आपने देख लिया है। आगे हम ले चलते हैं आपको 12th वालों के लिए अपलोड करने की जिम्मेदारी होंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए यहाँ पर क्या लाइन लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है, प्रधानाचार्य को निर्देश जारी कराकर अनिवार्य रूप से परिषद की मतलब परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करा दें। पत्र में यह भी लिखा है, यदि किसी विद्यालय की वांछित सूचना आप वेबसाइट पर अपलोड नहीं होती है तो उस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप मुक्त रहिए। ठीक है, बस इतना याद रखिए, अगर स्कूल से कोई सूचना आए तो आप पहुंच करके उसको जरूर करवाएं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा, बता दें फरवरी में प्री बोर्ड की परीक्षाएं प्रदेश भर में कराई गई थी, साथ ही में हाई स्कूल में पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या 29.94 लाख है। हाई स्कूल परीक्षा में 16,74,022 बालक हैं और 13,20,290 बालिकाएं पंजीकृत हैं। इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा कोरोना महामारी और पंचायत चुनाव चलते देर हुई है। बीते वर्ष 2020 में फरवरी परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो गई थी। माना जा रहा था कि 20 मई के आसपास शासन स्तर पर होने वाली बैठक में हाई स्कूल की परीक्षाओं को प्रमोट करने पर मुहर लग सकती है। मतलब आप लोग की प्रमोट करने की मुहर लग सकती है। मुझे आशा है 2 से 3 दिन में पक्का और कन्फर्म हो जाएगा कि आप लोग को क्या कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया, और जल्द ही उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। आगे एक विशेष सूचना, विशेष सूचना क्या है, यूपी बोर्ड एग्जाम इंटरनेट मीडिया पर यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 का फर्जी कार्यक्रम वायरल। कल हमारे पास बहुत फोन आ रहा था कि सर क्या एग्जाम रद्द हो गया, क्या एग्जाम रद्द हो गया है, क्या एग्जाम का डेट सीट आ गया, स्कीम आ गया। हमने कई बार बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है,
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटर व हाई स्कूल परीक्षा 2021 क्या क्या बताया गया है? शरारती तत्व इंटरनेट, मतलब 5 जून से परीक्षा कार्यक्रम ये जो लगा दिया गया था ये पूरी तरीके से फर्जी था, ये पूरी तरीके से क्या था, फर्जी था। फिर देखिए यहाँ पर परीक्षाओं को टाल दिया गया है। फिलहाल इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें यहाँ पर कहा गया है कुछ शरारती तत्व इंटरनेट मीडिया पर ये कार्यक्रम वायरल कर दिया था। आगे दिखाते हैं आपको, इसमें 5 जून से ये हो गया है, कराने का मन बना लिया है, ठीक है। मतलब जो जिन्होंने इसको वायरल किया था, वायरल करने वाले खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का मन बना लिया है। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पर आप देखिए, इंटरमीडियल देखिए, CBSE और ICSE की तर्ज पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक यानी UP बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा 2000 स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद बोर्ड कोविड संक्रमण की स्थिति में कुछ सुधार होने के बाद जुलाई के पहले हफ्ते तक इंटर की परीक्षा कराने की योजना बना रही है। माने जुलाई के पहले हफ्ते तक आपकी परीक्षा जो है कराने की योजना बन रही है। हो सकेगा पहले हफ्ते तक आपका एग्ज़ाम क्या है होकर ख़त्म हो जाए, तो पहले हफ्ते में स्टार्ट हो या पहले हफ्ते तक होकर ख़त्म हो जाए ऐसा आप जानिए जुलाई के एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे ये स्कीम वायरल हुआ था आप देखे थे, और ये सोमवार को वायरल हुआ था, ये कुछ भी नहीं है। इसमें आपको एक स्पष्टीकरण मिला था कि ये पूरी तरीके से जो वायरल हुई नितांत फर्जी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर कि ये पूरा क्या दिया गया है, ये जो पूरा है यहाँ पर लिखिए नितांत फर्जी है, ये पूरा नितांत क्या है, फर्जी। इसको संज्ञान में लेकर के उन्होंने क्या किया, कार्यक्रम जारी किया है। और यहाँ पर क्या दिया है, ये आग्रह किया है कि सूचना शीघ्र ही कार्रवाई की जाए, यूपी बोर्ड लेकर के कई विकल्पों को काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए मई के अंतिम सप्ताह तक इस निर्णय ले सकती है, ठीक है। मतलब प्रमोट का बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि एक विकल्प यह है जुलाई के पहले सप्ताह से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाएं कराई जाएं, एक विकल्प हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर इंटर परीक्षा कराएं, तीसरा विकल्प स्कूल भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने का है। तो वही यहाँ देखिए आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ, यहाँ आज के अमर उजाला पेपर का ये न्यूज है, यहाँ पर ये लिखा गया है साफ साफ, क्या लिखा गया है, हाई स्कूल छमाही और प्री बोर्ड के अंक 24 घंटे में कराने होंगे अपलोड, ठीक है। मतलब ये चीज़ जान जाइए कि आप लोग को पक्का हाई स्कूल वालों को लगभग क्या कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया जाएगा। फिर आगे क्या दिया गया है, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर परीक्षा का फर्जी कार्यक्रम वायरल, हमने इसके बारे में पूरा बताया है, डिटेल्स बताया, आप रोक करके इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। स्कूल के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी, मतलब अब हाई स्कूल वालों को प्रमोट करने की तैयारी क्या है, सरकार ने चालू कर दिया है, और जल्द ही आप लोग को क्या कर दिया जाएगा, जल्द ही आप लोग को प्रमोट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने जारी कर दिया है तैयारी आप लोगों की, तो आप लोग लगातार लगे रहिए, और जैसे ही 12th का स्कीम आता है तैसे हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।